नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हम लोगों के बीच में यहाँ पर मंचा सीन है, आसनसोल के पूर्व मेयर श्री जितेंद्र तिवारी जी, साथ ही साथ ये फंडेसर के विधायक भी रह चुके हैं, मंच पर उपस्थित है पूर्णिया जिला के हमारे ऑब्जर्वर और प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य आदरणीय श्री विवेकानंद भट्टाचार्य जी, जिला के उपाध्यक्ष श्रीमती उपासना उपाध्याय जी, साथ ही साथ अभी जो पूर्व के वक्ता हमारे वक्तव्य देकर गए हैं रालादा। दोस्तों और साथियों, जितेंद्र दा के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा जानते हैं और हम लोग तो एक ही पेशा में रहे हैं। जितेंद्र दा को मैं शुरू से ही जानता हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ, ये भी अधिवक्ता रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। ये जब आज बीजेपी में आ गए हैं, यहाँ के सेंट्रल कार्यालय में जो कार्यकर्ता है उनसे परिचय करने के लिए मुझे यहाँ आना है, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि एक छोटा मोटा सभा का आयोजन आप लोग कर दिए हैं, यहाँ अपनी बातों को रखना है ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आत्मीयता, जो प्यार, जो स्नेह, लोगों को अपना बनाने की जो हुनर आपके अंदर मैंने देखी, ये सब कुछ देखकर मन बार बार कह रहा है कि काश कुछ वर्ष पहले आपके परिवार में शामिल हो पाता और ज्यादा स्नेह और ज्यादा प्यार शायद मैं अनुभूति कर पाता। देखिए, देश की आजादी के पहले की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के पहले हम लोगों ने देखा था कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, सारे लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि पहले देश को आजाद करना है। आजादी के बाद भारतवर्ष की दशा या दिशा क्या होगी ये बाद में हम लोग ठीक करेंगे, पहले आइए देश को आजाद करा कर। इस सोच के साथ भिन्न भिन्न सोच के लोग भी एक साथ एकत्रित हो गए थे, बहुत क्रांतिकारी जो लोग थे वो लोग भी लड़ाई कर रहे थे, जो लोग अहिंसा में विश्वास करते थे वो लोग भी लड़ाई कर रहे थे, हर तरह के लोग एक साथ लड़ाई करके हमारे देश को स्वाधीन कर दिए। लेकिन स्वाधीनता के पहले से हमारे देश को लेकर बड़ी परिकल्पना कि आजाद भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आजाद भारत किस तरह से फिर जगत गुरु बनेगा, इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया और उसका ही परिणाम है कि आजादी के उतने वर्षों बाद भी सरकारें आती रही, सरकारी जाती रही, लेकिन विश्व के मानचित्र पर हमारे देश की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जिस दिशा में हमारे देश को चलना चाहिए था उस दिशा में हमारा देश आगे नहीं चल पाया और इसी कमी को पूरा किया हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके बाद से देश के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो तो चलता ही रहा, इसके साथ साथ विश्व के मानचित्र पर हमारे भारतवर्ष का इमेज कैसा हो, भारतवर्ष फिर विश्व को डोमिनेट करे, भारतवर्ष अपनी सोच से, अपने दर्शन से सारे विश्व को आकर्षित करे, इसका प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया और वही प्रक्रिया आज चल रही है और उसी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए, उससे आकर्षित होकर हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बंगाल में भी हमने देखा था, वामफ्रंट की जब सरकार थी तो सरकार की अत्याचार से हम इतने आज ही जा चुके थे कि कैसे इस सरकार को हटाना है ये हमारी सोच थी। उस समय भी हर सोच के लोग एक साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई कर रहे थे कि पहले बंगाल से सीपीएम को भगाना है, बाद में बंगाल के बारे में हम लोग सोच लेंगे, और सारे लोगों के मेहनत से
उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान है। सारे लोगों के मेहनत से बंगाल से भी हम लोगों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को यहां से पराजित करके लोकतांत्रिक ढंग से बंगाल से बाहर भेजा। लेकिन उसके बाद बंगाल की दशा और दिशा क्या होगी? बंगाल भी भारतवर्ष के नक्शे कदम पर चले, बंगाल भी राष्ट्रवाद के सपने को पूरा करे, राष्ट्रवाद की जो सोच है उस सोच का प्रचार प्रसार बंगाल में भी हो, इसके लिए पिछले 10 वर्षों में तृणमूल सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। और आज 10 वर्ष बाद भी, 10 वर्ष सरकार में रहने के बाद भी बंगाल की दशा क्या है, बंगाल की दिशा क्या है, बंगाल का दर्शन क्या है, इस पर यदि आप चर्चा करें तो बहुत कम चर्चा करने वाले लोग मिले। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जो सभा की, उस सभा के माध्यम से उन्होंने कहा केवल बंगाल में तृणमूल को हटा के भाजपा की सरकार बनाना है इसके लिए नहीं, आने वाले 25 वर्षों में बंगाल किस दिशा में जाएगा इसका पूरा खाका तैयार करके वो बंगाल में आए हैं कि बंगाल की बागडोर मेरे हाथों में दो, बंगाल का सुंदर भविष्य, अगले 25 वर्ष में बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा, बंगाल की उन्नति कैसे होगी, बंगाल की संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, बंगाल कैसे भारतीयता का जो नारा है उस नारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा, इसका पूरा खाका लेकर प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आए। जो काम यहाँ की सरकार को करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। देश का प्रधानमंत्री जब देश के एक राज्य के बारे में इतना सोचता है और करता था, उल्टी आता था, 500 रुपया देता था, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर चला जाता था, ये इतिहास का कुर्सी मानते। मैंने, मेरे पास एक खबर आई कि एक आदमी है, एक अधिकारी है, उसके घर में ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और सारा स्टाफ उसके घर में ही रहता है। आपको मालूम होगा कि एक दिन पुलिस को लेकर उसके घर जाकर वो सारा स्टाफ मैं लेकर आया था और उपायुक्त को उसे दे दो। कुल्टी के लोगों की ये डिमांड थी कि कुल्टी में पीने की पानी की व्यवस्था की जाए और पीने के पानी का काम हम लोगों ने हाथ में दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो कुल्टी का विधायक, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि कुल्टी के लोगों को वहां पीने का पानी मिले, कुल्टी के वाटर प्रोजेक्ट के काम में सबसे ज्यादा किसी ने जिसे बाधा देने का काम किया तो यहाँ के विधायक ने किया और किसी ने नहीं किया। जहां भी हम लोग पानी की टंकी बनाने जाते थे कोई आ जाता था, हम ही चार्ज करता, बोले कागज रखा, झाड़ू लिए हुए लोग बजट तो कुछ आते हैं कि सुबह सुबह कैसे सफाई करना है। लाइट नहीं था यहाँ पर, कुल्टी में एलईडी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो सारा काम यहाँ पर किया गया, पानी का काम किया गया। और अभी भी देखेंगे, अभी भी जितना फीता काट के यहाँ के मिले खुश हो रहा है, वो सारा काम, सारा वर्क ऑर्डर मैं देके गया हूँ उसका फीता काट रहे हैं। ये किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता का क्रेडिट नहीं है। और इसके लिए मुझे सहयोग करने का मन बनाया था यहाँ के सांसद बाबू सुप्रियो ने, लेकिन वीटो लगा दिया गया कि नहीं, दिल्ली से आप पैसा नहीं ले सकते, दिल्ली से पैसा लेकर आप काम नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पैसा तो पैसा होता है, चाहे दिल्ली से दीजिए चाहे कलकत्ता से दीजिए, मुझे तो काम करने से मतलब है। कहा गया हाँ आपको दिया जाएगा, कलकत्ता से पैसा दिया जाएगा, लेकिन मैंने दिल्ली का पैसा मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए। बाबू सुप्रियो जी को दुख हुआ कि मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं पैसा देना चाहता हूं, आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इतना दबाव था। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद भी बार बार मैं कलकत्ता का चक्कर लगाते रहा कि आप पैसा दीजिए। मैं देख रहा हूं दूसरे शहरों का, माननीय फिरहाद हाकिम जी उनके चहेते जो इलाके थे वहां पर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन आसनसोल सेकंड रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी होते हुए भी यहां पर पैसा नहीं दिया जा रहा। दो बार, चार बार, पांच बार कहने के बाद जब मुझे लगा कि ना आसनसोल के साथ साथ पहला व्यवहार हो रहा है, आसनसोल मतलब आसनसोल शहर नहीं, आसनसोल मतलब आसनसोल जमुनिया रानीगंज कुटी ये सारा इलाका मैं कह रहा हूं, तो अंतर मेरे पास जब कोई उपाय नहीं बचा तो मैंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के बाद लोगों का पेट फूलने लगा और मुझसे अनुरोध किया गया कि हम लोग को समय दीजिए, एक महीने डेढ़ महीने के अंदर हम लोग आसनसोल के लिए फंड देंगे। मैंने इंतजार किया। कुछ लोग हैं फेसबुक में, ट्विटर में मुझे बेईमान करके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। अरे भाई आप एक बात ध्यान रखिए कि आपने कब मुझे हटाया नहीं, बंगाल सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे मेयर से हटा दे, आपकी हिम्मत नहीं हुई मुझे जिला सभापति से हटा दे, मैंने लात मारकर वो छोड़कर उसको। इसलिए
था है। एक महीना तक दिया लेके मेरे पीछे पीछे घूमते रहे कि ना फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए। और मैं केवल एक ही बात कहता रहा कि आसनसोल को पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। आपने आसनसोल को पैसा नहीं दिया, मैंने आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बस यही दो बात है, केवल एक शर्त थी कि आसनसोल को उसका हक दीजिए, आसनसोल को काम करने का मौका दीजिए। कहा गया कॉरपोरेशन के पैसा से मंदिर क्यों बनवाते। अरे भाई, कॉरपोरेशन जो होता है ऑटोनोमस बॉडी होता है, ऑटोनोमस बॉडी में जनता के टैक्स के पैसे से वो चलता है, और जनता के टैक्स के पैसे से जब हम काम करते हैं तो जनता जो चाहती है वही काम हमें करना पड़ता है। अब जनता यदि चाहती है कि ना रास्ता बनवाए अच्छी बात है, ट्रेन बनवाए अच्छी बात है, मंदिर के बगल में भी एक तो रूम बनवा दीजिए भोग के प्रसाद के लिए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपका पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों आपका पेट फूल जाता है? क्यों आप आक्षेप लगाते हैं? ये काम आप मुझे नहीं करने देंगे। रामनवमी के समय रवि के रूप में काम करने के लिए, आपके भाई के रूप में, आपके बड़े परिवार में आपके साथ मिलकर, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध किया था। और मैं इस पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया। इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि कुल्टी का ये क्षेत्र है, यहाँ आपने बुलाया है, तो कुल्टी के बारे में दो चार बातें आपसे कहनी जरूरी है। अब कुल्टी के इलाके इलाके में जब घूमने लगा तो मैंने देखा कि कुल्टी की म्युनिसिपैलिटी जो है थी, उसे काउंसलर नहीं चलाते थे, उसे ठेकेदार चलाते थे। ये मैंने देखा था। मैंने देखा कि कुल्टी के जो पुराने काउंसलर थे उनका 3 साल का सैलरी बाकी था, और मैंने मेयर बनने के बाद जो लोग काउंसलर नहीं थे, हार चुके थे, छोड़ चुके थे, उनको बुलाकर उनका 3 साल का सैलरी नगर निगम बनने के बाद काउंसलर्स को दिया गया। ऐसी म्युनिसिपैलिटी जो अपने काउंसलर्स का सैलरी नहीं दे पाती, वो कैसी म्युनिसिपैलिटी होगी आप जानते हैं। दुर्गापुर में किसी को बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, वो दुर्गापुर कॉरपोरेशन नहीं जाता था। आसनसोल काम पर 10 दिन काम बंद कर दिया, बोले कागज लेके आओ, बोले कागज नहीं है। यहां तक जो बेगुनिया मोड़ में एक जगह एक आदमी बोला कि मेरा घर में कागज है, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक पानी का काम बंद रखा गया। लास्ट में जब हियरिंग में उसे बुलाया गया, भाई कागज दिखाओ, बोला गाय कागज चबा गई, अब कहां से ला। इस तरह से कुल्टी के वाटर प्रोजेक्ट को बाधा देने का प्रयास किया गया, बार बार बाधा देने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ के एमएलए को लगता था कि कुल्टी का वाटर प्रोजेक्ट का काम यदि हो जाएगा तो उसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत क्रेडिट लेने के चक्कर में कुल्टी को फिर पीछे ढकेलने का प्रयास यहाँ के विधायक ने किया है, इसलिए उसे बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुल्टी में कोई सिस्टम ही नहीं था। जब मैंने जो भी, और आने वाले दिनों में सब कुछ आज ही ठीक नहीं है, सब सस्पेंस आज हटा देना ठीक नहीं है। अभी चुनाव में 2 महीना है और बहुत सस्पेंस है, जो कुल्टी के मिट्टी पर जब जब आप लोग बुलाइएगा एक एक चैप्टर आपके सामने हम रखते रहेंगे और इसका पर्दाफाश होते रहेगा। आने वाले दिनों में आपका, आपके सहयोग की कामना करते हुए, और बार बार जो मुझे कहा जा रहा है बड़े में, तो मैं फिर कहता हूँ, सीरियसली कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल में मैं नेता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नेता बनने नहीं, मैं कार्यकर्ता बनने आया हूँ। नेता वही है जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है, अपने खून से सींचा है, जिन लोगों ने इस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। नेता वही है, वही काम करेंगे, उनके नेतृत्व में ही मैं उनसे पीछे रहकर उनके साथ उनका सहयोगी बनकर काम करना चाहूंगा। उन्हीं बातों में संघर्ष करूंगा।